तो मैंने बोला तू इतने छक्के मारते हो, स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये एक स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो था, यानी बहुत ही, यानी जोशी जी से भी एक इंच कम होगा छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते दूर से आते थे और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा, सुनील ये कैसे क्या है? बोले नितिन ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है, प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो MLA थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज शरद जोशी करके हास्य व्यंग कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब BJP का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। मैं बहुत सुखी हूँ। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यार तुम रोज रात को, मैं खाने का शौकीन हूँ, कभी ये खाता हूँ, कभी मैं अभी आजकल खुद शेप का काम सीखता हूँ, कभी अलग अलग मेरे शौक है, सोशल वर्क करता हूँ, काफ़ी मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। तो बोले आप बहुत खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है इसके ऊपर खुशी जताता है वो समाधान पाता है। जिस पर है उसमें खुश रहो और वनडे क्रिकेट जैसे खेलते रहो।